थोड़ी खराब है इसलिए रेस्ट कर रहे हैं। इतनी सफाई से झूठ बोल रहा है सबको। अंदर की बात पता तुझे? नहीं, क्या हुआ? असल में रमाकांत अंकल है ना, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं चल रही आजकल। क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैंने तो यहाँ तक सुना कि बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे हैं आजकल। आप लोग प्लीज एंजॉय करिए। अब सारे गेस्ट को क्या बताऊं कि पापा यहाँ पार्टी में क्यों नहीं हैं? अरे भाई अरुण, हाय। रमा खान जी किधर हैं? भाई वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाई हमें उन्हें विश करना है। पापा बस थोड़ी देर में आएंगे, आप प्लीज पार्टी एंजॉय करिए। कभी तो मतलब अजीब अजीब हरकतें करके ना पूरा घर सर पे उठा ले। कभी कहते हैं कि उन्होंने टाइगर देखे हैं, और तो नौकर तो इनके जानता है। सारी बात का ढिंढोरा बाहर की है। अब और सुन, कहते हैं कि उनको ना कमरे में बंद करके रखना पड़ता है। कसम से फिर तो अंकल को पार्टी में बुलाना ही पड़ेगा। अबे उनके बिना पार्टी में मजा थोड़ी आएगा। अरुण, हाय धवल। हाय, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। तू कैसा है? बस बढ़िया यार। हाय स्मिति। हाय। हेलो, थैंक्स फॉर कमिंग गाइस। थैंक्स क्या यार, मेरे बेस्ट फ्रेंड के डैड का बर्थडे और हम ना हैं? और वैसे भी आज तो डबल सेलिब्रेशन है ना भाई। आज तो तेरी कंपनी की 100 करोड़ की डील फाइनल हुई है, तो डबल सेलिब्रेशन। हाँ, थैंक यू सो मच। तुम लोग प्लीज पार्टी एंजॉय करो और उसको भी एंजॉय कराना स्मृति। ओह श्योर 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 श्योर। कैरी ऑन कैरी ऑन। कम बेटा। अंकल अंकल अंकल। अरे अंकल, आज आपका बर्थडे, कहाँ हो? अरे बाहर आइए अंकल, चलें बाहर। बर्थडे बॉय। अरे अरे अंकल अंकल, ये क्या कर रहे हैं? ये मैं जय और ये केतन अंकल, ये क्या कर रहे हैं अंकल? आपका बर्थडे है? मेरा बर्थडे। हाँ, मैं चलूंगा बाहर। मैं उस बाग से नहीं डरता। मैं बाहर चलूंगा। ये क्या हो गया इनको? ये चेहरे पे निशान और कपड़े कैसे पहने इन्होंने? यही तो कह रहा था तुझे मैं। वे देख कैसे नमूना बन के गए। अभी फैंसी ड्रेस के कैसे लोग मजा लेते हैं, ये चल के देखते हैं। कमीने। मेरा बर्थडे। पापा, keep the gun down. अंकल को क्या हो गया? पापा क्या कर रहे हैं आप? मार दूंगा। पापा प्लीज गन दे दीजिए। डबल डैडी कुछ बोलो। मार दूंगा। तू मुझे नहीं मार सकता। पापा लिसन टू मी। पापा कोई नहीं है वहां पे। पापा प्लीज। पापा क्या कर रहे हैं आप? पापा प्लीज कीप द गन डाउन। पापा प्लीज गन नीचे रखिए। वो बाघ बाघ वापस आ गया। कोई बाघ नहीं है। अरुण मुझे बचा लो। अरुण पापा कोई बाघ नहीं है। पापा अरुण, पापा गन नीचे रखिए। पापा प्लीज गिव मी द गन। पापा
उठ और देख। सुनील ऑल सेट? यस मैम। ये नेकलेस यहाँ कैसे आया? ये तो रमाकांत जी वाला फेमस हंटर्स नेकलेस है ना, उन्होंने बैंगलोर ऑक्शन से खरीदा था, यहाँ कैसे है ये? मैम कल रात को रमाकांत जी की फैमिली से एक लड़का केतन करके आया था जो इसे ऑक्शन के लिए दे करके गया है, और उनसे हमारी डील हुई है कि ऑक्शन के बाद 50% वो लेंगे। पर कल रात तो उनकी डेथ हो गई थी और आज ये नेकलेस यहाँ ऑक्शन के लिए। आर यू श्योर? जी मैम। No wait, let me call. Good morning sir, मैं किमाया ऑक्शन हाउस से बोल रही हूँ। जी कहिए। सर आपके फादर का खरीदा हुआ हंटर्स नेकलेस हमारे ऑक्शन हाउस में ऑक्शन के लिए आया है। What? जी सर। इसलिए आपसे रीचेक करने के लिए फोन किया है कि मैं उसको ऑक्शन कर दूँ या वापस घर भिजवा दूँ। नहीं नहीं, मेरे घर पर उसको भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ना ही मैं उसे लेने आने वाला हूँ। पर सर वो नेकलेस तो काफी कीमती है सर। देखिए उस नेकलेस को ऑक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे कहीं बंद कर दीजिए। लेकिन देखिए मेरी बात मानिए, वो नेकलेस मनहूस है। एक बार सोच लीजिए आप सर। प्लीज स्टॉप इट। ओके ओके सर, गुड डे सर। अजीब आदमी है, करोड़ों की चीज है, उनको नहीं चाहिए तो क्या हुआ, मैं तो जरूर बेचूंगी। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ किमाया ऑक्शन हाउस। चलिए आज के ऑक्शन की शुरुआत की जाए, और आज का जो पहला आइटम आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं वो है बेशकीमती हंटर्स नेकलेस। जी हाँ, एक खास युग की खास पहचान। सन 1850 में एक रहस्यमय शिकारी थे सुलाकी, ये नेकलेस उन्हीं का है, उन्हीं की पहचान थी। ये नेकलेस तो रमाकांत अंकल का था, ये यहाँ कैसे पहुंचा? जैसे भी पहुंचा हो मुझे क्या लेना देना, पर अब ये मेरा होगा। जो कि कई राजाओं महाराजाओं और रूलर से होते हुए आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है। काफी रेयर और प्रेशियस स्टोन से बना हुआ ये नेकलेस। चलिए इसकी बोली लगाते हैं हम 5 करोड़ से। लेडीज एंड जेंटलमैन, ओनली 5 करोड़ रुपीस। ऑफिशियली लेट्स स्टार्ट। बापरे 5 करोड़, खरीद तो पाएंगे नहीं, इसे तो लूटना ही पड़ेगा। 6 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़। कोई तो होगा इसके आगे वो बोली लगाने वाला। 9 करोड़, 9 करोड़। वाओ लेडीज एंड जेंटलमैन, 9 करोड़। नौ करोड़ 1, 9 करोड़ 2 एंड द फाइनल वन। ये आखिरी मौका है, लेजेंडरी हंटर्स नेकलेस 9 करोड़ 3 सोल्ड आउट एंड द नेकलेस गोज टू बिडिंग कार्ड नंबर 256 मिस्टर धवल। कांग्रेचुलेशन सर, 9 करोड़ में ये हंटर्स नेकलेस आपका हुआ। धवल, अरुण यहाँ क्या कर रहा है भाई? ये नेकलेस तुम्हारे पास क्या कर रहा है? डोंट टेल मी कि तूने ये खरीद लिया। हाँ भाई मैंने ही खरीदा है, पूरे 9 करोड़ चुकाए इसके मैंने। धवल यार मैं तुझे कैसे समझाऊं, कल तक मुझे डाउट था लेकिन आज मुझे पूरा यकीन है कि पापा की मौत इस नेकलेस की वजह से हुई है। इसलिए मैंने ऑक्शन वालों को मना किया था इसे ऑक्शन करने के लिए, फिर भी उन लोगों ने तुझे ये बेच दिया। ये नेकलेस अपने साथ सिर्फ विनाश और अंत लेकर आता है। धवल मेरी बात मान तो खत्म हो जाएगा। रिलैक्स, काम डाउन यार, कैसी फिजूल की बातें कर रहा है यार। अंकल की मौत का इस नेकलेस से क्या लेना देना? देख हम सभी जानते हैं अंकल की मौत पानी में डूबने और पैनिक अटैक से हुई थी। इनफैक्ट तू भूल रहा है भाई, इस नेकलेस के आने के बाद तेरी कंपनी की सबसे बड़ी डील फाइनल हुई 100 करोड़ की। धवल प्लीज
मेरी बात मान, इस नेकलेस को यहीं पर छोड़ दे। तूने ये नेकलेस जाना दिया, तेरी बेवकूफी। ये लकी नेकलेस मैंने जाने दो। धवल तू मेरी बात समझने की कोशिश कर प्लीज। अब इसके साथ मैं करूंगा करोड़ों की डील। फाइनली अभी हार मेरा हुआ। अब ये मेरी भी किस्मत बदलेगा जैसे इसने रमाकांत अंकल और उनकी फैमिली की बदली है। क्या हुआ सर, आप चिल्लाए क्यों? कुछ गाड़ी चलाओ, गाड़ी। ओके ओके सर। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ? देखो कौन सर? आप लोग रो क्यों रहे? अरे बाप रे, क्या कर रहे हैं सर आप? इसे तू अपने साथ ले जा रहा है, वो तुझे नोच नोच के खा जाएगा। तू मरने वाला है, अब खा जाएगा, तुझे नोच नोच के खा जाएगा। अब तू भी हम जैसा बन जाएगा। तू अब नहीं बच सकता, तेरा वक्त खत्म हो चुका है। तू भी अब हम में से एक बन जाएगा। चलो गाड़ी चलाओ, निकलो यहाँ से, निकलो। मंगर, मुझे पूरा यकीन था मंगर कि तुम ही सोलाकी के वंशज को ढूंढ पाओगे, क्योंकि तुम उस हंटर कम्युनिटी से हो जिस हंटर कम्युनिटी से सोलाकी 18वीं सदी में हुआ करता था। थैंक यू मंगर, मुझे पूरा यकीन है कि सोलाकी का वंशज ही मुझे बता पाएगा कि उस हार के साथ आने वाले विनाश को कैसे रोका जाए। कहाँ है वो? कौन हो तुम? क्या चाहिए? जी मुझे आपकी मदद चाहिए, हंटर सोलाकी के बारे में कुछ बात करनी थी। मैं शिकारी हूँ, किसी की कोई मदद नहीं करता, जाओ यहाँ से। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करिए, कुछ दिनों पहले मेरे पिताजी ने आपके पूर्वज सोलाकी का एक हार खरीदा था, और जब से वो हार घर लेकर आए तब से अजीब अजीब सी बातें करने लगे कि बाघ आएगा और उन्हें मार देगा, और जब उन्होंने वो हार पहना वो अजीब से लगने भी लगे थे, हमेशा गुस्से में होते थे, और यहाँ तक कि उन्होंने घर में गन से फायरिंग भी की, और फिर वो घर के स्विमिंग पूल में गिर के मर गए। मैं क्या करूं? देखिए बात समझने की कोशिश करिए, अब वो हार मेरे दोस्त के पास है और मैं नहीं चाहता कि उसके साथ भी वही हो जो मेरे पिताजी के साथ हुआ। प्लीज तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, मेरी बात को समझो, उसकी एक छोटी बेटी है, मुझे लगता है सोलाकी की आत्मा उस हार के अंदर अटकी हुई है।
आत्मा? मेरे पास किसी आत्मा का कोई इलाज नहीं है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज प्लीज मंगर, प्लीज तुम ही कुछ बोलो ना। हाँ देखिए, मैं तुम्हें एक भेद बताता हूं। शिकारी का भेस और उसका बसेरा उजाड़ दो तो शिकारी खुद ब खुद खत्म हो जाता है। थैंक यू मंगर, हमें जल्दी से पता करना पड़ेगा कि उसका बसेरा कहां है ताकि मैं धवल को बचा सकूं। धवल? धवल? क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी हालत कैसे हुई है? सब बताता हूं। तुम आओ। सब बताता हूं। धवल, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? कुछ मत पूछो। लेकिन धवल, हुआ क्या है? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है बेटा, कुछ नहीं। धवल, पानी लो। कुछ नहीं, तुम पानी पियो। सब ठीक है। इसमें क्या है? बुरा ना सब बताऊंगा बाद में। अभी कुछ नहीं पता मुझे। मुझे अकेला छोड़ दो अभी सब। जाओ यहाँ से। दादा क्या हुआ? वो बताइए ना। नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ। सब ठीक है बेटा। तुम जाके खेलो बच्चा, जाओ जाओ खेलो। लेकिन धवल। जाओ खेलो। हुआ क्या है तुम्हें? तुम्हारी हालत किसने की? दादा आपने मेरे लाया है ना? क्या बेटा? ये भाग आएगा, तुझे नोट नोट के खो जाएगा। ये छोड़ दो इसे, फेंको। अपने रूम में जाओ। स्मृति, तुम जिया को अंदर ले जाओ, जाओ। जिया! नहीं, ये कहाँ से आई? छोड़ो इसे, छोड़ो। ये हमारे घर में क्या कर रही है? धवल, क्या हो रहा है? मुझे बताओ। देखो, तुम जिया को लेकर अंदर जाओ। हाँ, लेकिन ये हमारे पास कहाँ से आई? मैं सब बताऊंगा, बोल रहा हूँ ना। लेकिन धवल, कुछ तो बताओ। प्लीज मैं अकेला छोड़ दो, प्लीज जाओ। ये सब कहाँ से आया? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? लाल कपड़े वाले लोग कौन थे? इसे तू अपने साथ ले जा रहा है? मैं अपने साथ क्या ला जाऊं? वो तुझे नोच नोच के खा जाएगा। मुझे कौन नोच खाएगा? कौन है वहां पे? कौन है? कौन है वहां पे? बाहर आओ। कौन है आप? कौन है यहाँ पे? सामने क्यों नहीं आते? कौन है यहाँ पे? बाहर क्यों नहीं आते? कौन है? बाहर आओ। कौन है वहां पे? बाहर आओ। कौन है? ये क्या है? सामने क्यों नहीं आते? बाहर आओ। कौन है यहाँ पे? कौन है वहां पे? सामने क्यों नहीं आते? डर गए क्या? वो लाल कपड़े वाले सच बोल रहे हैं जो तुम्हारे साथ हो रहा है और होने वाला है, और इसकी वजह सिर्फ हार है। ये हार मेरा था, अब तुम्हारे ही पास है, इसलिए जो मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ भी होगा। बाघ मेरे पीछे आया था, तुम्हारे पीछे भी आएगा, तुम नहीं बचोगे। धवल,
तुम्हें। तुम मुझे ना कुछ बता रहे हो ना डॉक्टर के पास जा रहे हो। प्लीज मुझे बताओ ना क्या हुआ है। मैं कल से देख रही हूँ तुम बहुत परेशान, इतना अजीब सा बिहेव कर रहे हो। देखो मुंह फेरने से कुछ नहीं होगा। प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। प्लीज मुझसे बात करो। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? बाघ क्या आहार उसने कहा था? बाघ आया। बाघ बाघ मार देगा मुझे। कौन सा बाघ? कहाँ पे आएगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम ठीक तो हो? अरुण अच्छा हुआ तुम आगे। देखो ना धवल को क्या हो गया है। स्मृति रिलैक्स, मैं जानता हूँ धवल को क्या हुआ है। क्या क्या हुआ है? स्मृति मुझे इससे अकेले में बात करनी है। अकेले? स्मृति प्लीज, जिंदगी और मौत का सवाल है, मुझे इससे अकेले में बात करने दो। भाग मार देगा मुझे प्लीज। भाग मार देगा। धवल मैंने तुझसे कहा था कि उस हार को अपने साथ मत लेकर जा। नहीं मानी तूने मेरी बात। देखा नतीजा, वो शिकारी और वो बाघ तेरा साया बन गए। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो। कुछ नहीं कर पाएगा तू। क्या शिकारी और बाघों से निकल जाएंगे। क्यों बचाने आया धवल को? पहले खुद को बचा। तो तुम धवल नहीं हो? मैं धवल नहीं हूं, सोलाकी हूं, सोलाकी शिकारी। तू बचाएगा? बचा अपने आप को, बचा। धवल मैं अरुण हूं। धवल धवल ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? बाग, नहीं मरना मुझे, नहीं मरना मुझे। धवल, अरुण, पूजा रिसेप्शन पे कोई है क्या? नहीं पियून, मिता साहब, हिमांशु, विशाल, सब कहाँ हो? नीरज, ऑफिस तो खुला है, सब गए कहाँ? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। कौन है? कौन है वहां? कौन है? बारी को कौन है? कौन है? कौन है यहां पे? कौन है? Thank you.
तुझे क्या लगता है कि तू बच जाएगा? अभी मौत आई नहीं है, बाघ ने सिर्फ जख्मी करके छोड़ दिया है। शिकारी की कहानी में सिर्फ बाघ नहीं था। फिर क्या था? ये देख, यही है ना तू? मैं मर नहीं सकता। हाँ, तू अभी नहीं मर सकता क्योंकि कहानी अभी बाकी है। मुझे भी ऐसे लगा था जब बाघ ने मुझे ऐसे जख्म देकर छोड़ दिया था। फिर पानी में डूबने लगा मैं, पर मरा नहीं। फिर वो दो औरतें, उन्होंने निकाला मुझे और मुझे मार दिया। अब तेरी बारी है डबल। जो मेरे साथ हुआ वही तेरे साथ ही होगा। मुझे नहीं मरना, मुझे घर जाना है। अरे रुको, अरे जिया आ जाओ, खाना लग गया। कोई है क्या? धवल, 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 ये क्या हुआ तुम्हें? मैडम, हमें ये इस हालत में सड़क पे पड़े मिले। हम तो इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे थे लेकिन इन्होंने ही मना कर दिया। थैंक यू भाई साहब कि आपने घर पे लिया है। ये क्या हो गया है तुम्हें? मार देगा मुझे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बाघ मार देगा मुझे स्मृति, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इसकी वजह से हो रहा है सब कुछ। जब से ये हमारे घर में आया है तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं जाके इसे जड़ से खत्म कर दूंगी। स्मृति नहीं, स्मृति कहाँ जा रही हो? मैं इस नेकलेस को जड़ से खत्म करने के लिए जा रही हूँ। इस नेकलेस को खत्म करने से कुछ नहीं होगा, हमें सोलाकी की आत्मा को खत्म करना होगा। ये जो कुछ हो रहा है उसकी आत्मा की वजह से हो रहा है। अगर हमें धवल को बचाना है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। स्मृति, मुझे उस जगह का पता चल चुका है जहाँ पर हम जाकर इसकी आत्मा के आतंक को खत्म कर सकते हैं। जल्दी चलो। चलो। कई साल पुरानी बात है, एक सोलाकी नाम का शिकारी एक जंगल में शिकार करने निकला। तभी उसके सामने अचानक से एक टाइगर आ गया और उस टाइगर ने उस पे हमला किया। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताओ ना, फिर उस शिकारी ने क्या किया? फिर उस शिकारी ने अपने जान बचाने के लिए जंगल में भागना शुरू किया और वो बाघ उसके पीछे पीछे भागा। शिकारी आगे आगे, बाघ पीछे पीछे। फिर बाघ ने बड़ी छलांग लगाई और उस शिकारी को अपने पंजों में जकड़ लिया और वो कया काम से
कौन तुम? पहचाना नहीं, सो लाक यू. दिया, दादा, दिया मेरा बच्चा. भाग, भाग डबल. इंसान अपने मौत की तरफ भागता है, सुना है ना? कुछ नहीं बेटा, गिर गया था ना, चोट आ गई, ठीक हो जाएगी ये. अरुण प्लीज गाड़ी जल्दी चलाओ, हमें हंटर के ठिकाने पर जल्दी से जल्दी पहुंचना है. चला रहा हूँ स्मृति. अरुण गाड़ी रोको, सामने लोग हैं. नहीं नहीं गाड़ी मत रोकना, ये हमें भटका रहे हैं. अरुण गाड़ी रोको, वो लोग मर जाएंगे. चलाओ चलाओ. देखा, मैंने बोला था ना. दादा वो गन वाले अंकल कौन थे पता है? उन्होंने मुझे इतना अच्छा हार भी दिया और उन्होंने मुझे बाघ की और एक हंटर की कहानी भी सुनाई. क्या हुआ बेटा? दादा पानी. देता हूँ बेटा, एक मिनट. अब बेटा शायद पीछे टिक्की में होगा, मैं लेके देता हूँ. जिया, जिया कहाँ जा रही हो बेटा? जिया, जिया कम बैक. अरे कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे. लगता है अंदर से बंद है, चलो पीछे से ट्राई करते हैं. मंगल तुम देखो. मंगल तुम यहां देखो, हम अंदर जाके देखते हैं. अरुण, अरुण, अरुण! अरुण तुम्हें याद है उस दिन रमाकांत अंकल ने भी ऐसे कपड़े पहने थे? स्मृति हाँ, ये सोला की कई कपड़े लगते हैं. स्मृति हमें इसे जल्द से जल्द जलाना होगा ताकि उसकी आत्मा आजाद हो जाए. समझ नहीं आ रहा क्या हुआ. जिया वापस आ बेटा, क्या कर रही हो तुम? जिया रुको. शिट यार, गाड़ी गर्म हो गई है, पानी डालना पड़ेगा. अरे यार इससे भी अभी होना था. ये लो. इससे पहले की प्रॉब्लम्स और बढ़े तुम्हें यहां से भाग जाना चाहिए. तुम भाल को नहीं बचा सकते.
जब हमें कोई बचाने नहीं आया तो हम धवल को भी बचाने नहीं देंगे। हम धवल को बचाने नहीं देंगे। हम तुम्हें धवल को बचाने नहीं देंगे। हम धवल को बचाने नहीं देंगे। अभी मौत आई नहीं है, आग ने सिर्फ सब्जी करके छोड़ दिया है। टॉर्च बंद करो स्मृति, तुम पीछे वाले रास्ते से भागो और ये कपड़े जला दो। स्मृति तुम भागो, भागो। बेटा कहाँ जा रही हो? जिया रुक जाओ, जिया 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 मेरे जबल जो आ गया खुद अपने मौत के पास। देख ले जबल, वही हो रहा है जो मेरे साथ हुआ। पहले भाग फिर पानी और अब और रात। तुम्हारे का मेरी मौत। डूब रहा है। आओ आगे आओ, चलो आओ आओ आगे आओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.